हे फ्रेंड्स, वेलकम माय ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो मैं रोज़ ही बोलती पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं आता, ना कोई लाइक करता है ना कोई शेयर करता है। कमेंट तो आते ही नहीं, बहुत कम कमेंट आते हैं, मतलब इक्का दुक्का कमेंट आ जाता है एक आधी वीडियो पर, इससे ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं। पता नहीं आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद नहीं आती या फिर मैं सही से शूट नहीं कर पाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी अच्छे से और अच्छे से वर्क कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो ना, क्या वीडियोस बनानी है, चलती तो है नहीं, कोई देखता तो है नहीं, व्यू तो आते नहीं, वही 15-20 व्यू आते रोज के, इससे ज़्यादा व्यू आते नहीं है वीडियोज़ पर। तो मैं डेली सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे चैनल में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप सुबह 8 या 9 बजे जब भी आपका दिल करे आप वीडियोज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी मेरा बेटा बाहर जा रखा है घूमने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। वो आ जाता है तो फिर शूट करने नहीं देता, मम्मा मेरे साथ खेलो, मम्मा मेरा ये करो, मम्मा मेरा वो करो, ऐसे करता रहता तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, तो इसलिए वीडियो शूट हो नहीं पाती है ढंग से, मतलब कि प्रॉपर ढंग से। और मेरे पास, मैं फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, हैंड हाथ से पकड़ कर और फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। स्टैंड वगैरह भी नहीं है, जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करने लगेगा वैसे वैसे मैं परचेस करूँगी कि क्या 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 होता है, कैमरा वगैरह मैं बाद में लूँगी, मतलब धीरे धीरे जैसा मेरा चैनल चलने लग जाएगा मैं उसी हिसाब से फिर अपने आप को मतलब कि इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। और चलिए बाहर चलते हैं। मैंने सोचा आ रहा है ना, मेरे घर के बाहर कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं, मैं सोचा आज मैं आप लोगों को वो सब दिखा देती हूँ, ग्रीनरी थोड़ी दिखा देती हूँ। मेरे वीडियोज़ में शायद आप लोग देखते होंगे कि थोड़ा थोड़ा, मतलब कि रोज़ ही थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में ग्रीन ग्रीन होता है मेरे यहाँ पे ना, मतलब मैं खेत, मेरे सासू ससुर का जो घर है वो खेत में बना हुआ है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और अभी बारिश हो रखी है तो इस वजह से और भी अच्छी हो रखी है। तो चलिए मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, उसके बाद फिर दिखाने के बाद मैं आगे ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ और देखिए कितने छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं इस पर, बहुत सारे अमरूद लगे है ना, दिख रहे होंगे आपको ये छोटे 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 छोटे। और ये साइड पे आ रखी है तो इस पे देखिए है ना, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ज़्यादा बड़े नहीं है, अभी बारिश होगी तो उसके बाद ये बड़े हो जाएंगे, बारिश तो हो रही है कंटिन्यू। तो ये अमरूद का पेड़ बाहर खेत में हमने लगा रखे हैं, तो ये अमरूद का पेड़ है और इधर अमरूद तो है इस पर बहुत सारे अमरूद, आप लोग ध्यान से देखोगे तो दिखेंगे। मैं आपको पास से जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये दिखे दो अमरूद, ये देखिए जूम करके दिखाया मैंने आप लोगों को, इस पे है अमरूद बहुत सारे, ये देखिए ये मेरे घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर में नहीं लगा रखे हम लोगों ने पेड़, मतलब कुछ फ्रूट्स के पेड़ भी हैं जो घर में इधर साइड में लगा दिए हैं। और ये बेर के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, बाग बना हुआ पूरा, बगीचा जिसको बोलते हैं वो बना रखा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में सारा, मतलब कि ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये मेरा घर है, मतलब बैक साइड से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये मेरा घर की दीवार वीवाल है। और ये अमरूद का पेड़ तो दिखाई दिया मैंने आप लोगों को, और ये कुछ पौधे हैं जो इधर लगे हुए हैं, ये देखिए ये बेर का बगीचा है पूरा पूरा, मतलब बहुत आगे तक, तो ये सारा का सारा ये जंगल के जैसा है पूरा हमारे घर के पास में, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी धूप हो रखी है तो ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं आएगा, धूप की वजह से इतना प्रॉपर व्यू नहीं आता, धूप ख़त्म होने के बाद मस्त व्यू आता है। दूध निकालने का टाइम, और देखो बच्चे कैसे दूध पी रही है, छोड़ नहीं रही, सारा दूध पी जाएगी आज तो। एक्सु कहाँ जा रहा है बेटे, तू भी दूध निकालेगा, गाय मुनिया चाट रही है, अपनी बेटी से प्यार कर रही है, वो कैसे कर रहा है। देखो दूध निकालना शुरू हो गया, ओह पूरा बाल्टी भर के दूध देगी, शॉट ले लूं दूध गिरता हुआ, निकाल निकाल। अभी मैं किसी और के खेत में आ रखी हूँ, ये देखिए कुछ जानवर
घास खा रहे हैं। ये देखिए ये मैस घास खा रही है, वो पीछे स्कूल है। ये मैस घास खा रही है, हमारी ही है, ये भी घास खाने आ रखी इधर दूसरे के खेत में। घास बहुत है इसमें, तो ये आ जाती है यहाँ पे घास खाने के लिए। इतना बड़ा नीम का पेड़ है ये देखो, ये कितना बड़ा। किसी दिन मैं आपको मॉर्निंग का रूटीन दिखाऊंगी, तब देखना आप कितना प्यारा लगता है मॉर्निंग में। सारा व्यू देखिए, मैं आ रखी हूँ घूमने के लिए। ये इधर साइड में ना मैं चल रही थी यहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो मैंने कहा मैं भी आ जाती हूँ खेत में, तो मैं इधर आ रखी थी। तो मेरे हस्बैंड तो अभी है नहीं, वो हमने उधर साइड में कुछ फसल बो रखी है ना, ग्वार बोलते हैं, वो बो रखी है। ग्वाल फली जो होती है ना, सब्जी जिसकी बनती है, वो बो रखी है। तो उसमें ना कुछ जानवर बढ़ गए थे, तो उनको निकालने के लिए जा रखे हैं। खेत में हूँ मैं अभी। ये यहाँ पे क्या करने आ रखे हो यहाँ पे? अच्छा, और जंगली पशु आ जा है यार। और मुझे ये मोर पंख मिल गया, ये मैंने ठा लिया मोर पंख। ये मैं घर लेके जाऊंगी, इससे मेरा बेटा खेल लेगा, तोड़ ओड़ के फेंक देगा, फेंक खेलेगा तोड़ के फेंक देगा। तो मैं अभी लेके जा रही हूँ घर, और थोड़ी धूप हो रखी है हल्की हल्की, 6 बजे का टाइम हो रखा, ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो धूप तो है अभी, बाकी का मैं घर जाके अंदर जाके बनाऊंगी वीडियो। मैं खेत में घूम घाम के अंदर आ गई हूँ। गर्मी देख रहे हो आप लोग, मेरे चेहरे पे कितना पसीना हो रखा, पसीना पसीना। खेत बहुत थे, बहुत गर्मी है बाहर, पसीना पसीना हो गई सारी। ज़्यादा दूर तो नहीं गई थी, पर थोड़ी दूर गई थी और पसीना पसीना हो गई हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा, यक्षु, ये देखिए, ये यक्षु क्या कर रहे हो? ये मोर पंख ले लिया इसने, मोर पंख ले कर अभी ये खेलता रहेगा इसके साथ थोड़ी बहुत देर। चलिए ठीक है, मैं आप थोड़ा काम वाम कर लूँ, उसके बाद में वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी।